देखो भाई, यहाँ लिखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको एक लार्ज वैरायटी ऑर्गेनिज्म की दिखाई देगी। बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू। इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। ऑब्वियसली इफ यू वॉन्ट टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। जितने भी आपको मिलते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, एक स्पीसीज होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि लगभग द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यहाँ से आपसे सवाल बन जाता है कि भाई एक्सपेक्टेड कितना नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। कितना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। फिर लिखा है दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. तो अगर आप जितना ज़्यादा ज़्यादा आप ढूंढने की कोशिश करोगे, नए नए एरिया पर जाओगे, तो आपको नई नई स्पीसीज ही देखने को मिलेंगी। फिर लिखा है कि as stated earlier, there are million of plant and animal in the world. We know the plant and animal in our own area by their local names. तो यहाँ ही अब हम क्या करेंगे, नॉमन क्लेचर को बताना शुरू करेंगे कि नाम किसका कैसे रखते हैं। अब बात यह है कि जो आपके जो लोकल एरियाज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ आम हैं, आम को आप आम कहते हैं। अगर आप उधर थोड़ा जाओगे कहीं और, तो वहाँ इसको कुछ और कहते होंगे, चाइना वगैरह में कुछ और कहते होंगे, या और कहीं किसी कंट्री में किसी और नाम से पुकारा जाता होगा। ऐसा तो है ना, सब जगह आम कहते होंगे। तो ये एक समस्या है कि द लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकल नेम जो है वो सामान्य कहीं जगह से जगह पर बदलते रहते हैं, इवन विद इन ए कंट्री। यहाँ तक कि जो है एक कंट्री के अंदर भी कई कई जगह पर कई कई नाम होते हैं। एंड प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज दैट मीन्स टू टेक टॉक टू ईच अदर टू रेफर द ऑर्गेनिक वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ नीचे शुरू हो जाता है नॉमनक्लेचर। ठीक है, नॉमनक्लेचर में भी क्या कि पहले तो लोगों ने ऐसे कहा कि भाई जो है हम सीधे सीधे ऐसे नाम रख देते हैं। जैसे मान लो अगर आप ये सोचो कि भाई हमारा जो आम है, तो अगर तुम वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, तो आपको वहाँ मैंगो से भी काम नहीं चलने का आपका ना, क्योंकि मैंगो जो है वो भी एक इंग्लिश नेम है। ठीक है, तो अगर आप सारे ही नाम जो है, अगर आप नया प्लांट ढूंढोगे उसका नाम भी इंग्लिश में रख दोगे, तो वो इंग्लिश सारे नेम इंग्लिश हो जाएंगे, तो दूसरी दूसरी कंट्रीज में नहीं चलेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ चाहिए होता है कि भाई जहाँ जिससे जो नाम पूरी दुनिया में एक ही हो, मतलब जो भी नाम हो पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम हो, हर जगह वो ही चलता हो। ठीक है, तो इन्होंने लिखा कि भाई हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता हो, ऐसा ना हो कि भाई उसका नाम कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है, दो दो नामों से ना जाना जाता हो। ठीक है ना बात को। फिर लिखा है कि हेंस ओके कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ नॉमनक्लेचर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, नॉमनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू। दिस इज कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, करेक्टली मैच कराना, ये सारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच न्यू ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट। साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया।
पूरे दुनिया में जो नाम रखने का जो तरीका है वो ये है, प्लांट्स के लिए इन्होंने एक वो बना रखी है संस्था जिसका नाम है ICBN, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ये उस संस्था का नाम है। यहाँ लिखा है यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, तो एनिमल के नाम के लिए क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ तुम्हें ध्यान क्या रखना है यार, यहाँ NCERT ने इसको ऑफ लिख दिया है, ऑफ, और यहाँ पर क्या है देखो कोड फोर है, तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, मतलब ये इतने भी गिर जाएंगे सवाल बनाने में ना कि इसे फोर लिखे, फोर भी सही होता है, अगर यहाँ होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वो सही होता, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इन्होंने ऑफ दिया है तो बस ये ऑफ ही है, फिर ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर लिखा है द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होता है। इन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, तो पूरी दुनिया में वो एक ही नाम से जाना जाता हो। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बी यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा भी इंश्योरिटी दी गई होगी भाई वही जो नाम जो दिया गया है वो दुनिया में किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म, जो ये सारे बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना ये यूनिवर्सल जो लॉ दिया गया है उसी का फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो नॉमेनक्लेचर है ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दी गई थी लीनियस के द्वारा, इससे पहले लोगों ने और तरह की भी लोगों ने क्या दी थी नॉमेनक्लेचर दी थी जिसका नाम था पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉलीनोमियल का मतलब ये था कि भाई बड़ा बड़ा नाम रख देते थे, खूब बड़ा बड़ा, और इन्होंने क्या किया था कि उस नाम के अंदर ना, मतलब इन्होंने ऐसे नाम रख दिए थे कि भाई उस नाम में उसके सारे कैरेक्टर्स होते थे, नाम के अंदर ही पढ़ने में क्या आता था, सारे कैरेक्टर्स रख देते थे उसके, जितने भी नाम होते थे जितने भी कैरेक्टर्स होते थे, और वो नाम बन जाता था बहुत बड़ा। ठीक है, बाद में जो लीनियस थे, लीनियस का नाम भी तीन नाम का बना हुआ था, कार्ल वॉन लिनी था लीनियस का नाम ना, तो कार्ल वॉन लिनी ने क्या करा, अपना नाम भी बदल करके, अपना नाम भी इसने दो नाम का ही कर लिया था, कार्लस लीनियस। ठीक है, कार्लस लीनियस का पहले इसका नाम जो था वो खूब बड़ा था, कार्ल तीन नाम का था, तो इसने क्या करा बायनोमियल नोमेनक्लेचर दी, वो बड़ा जो नाम था जिसमें बड़े नाम में कैरेक्टर्स होते थे ना वो पढ़ने में भी नहीं आता था और ना तो कोई उसको याद ही रख पाता था, तो इजी नाम दिया जिसमें दो नाम होते थे, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई पहला नाम जो भी रखा जाएगा, पहला नाम जो होगा वो उसके जीनस का नाम होगा और जो दूसरा नाम होगा वो उसकी स्पीसीज का नाम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इज ऑफ जीनस और दूसरा नेम किसका होगा, स्पीसीज का नाम होगा। एंड दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस, तो ये जो नेमिंग सिस्टम है भाई ये जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब यहाँ एक बात आ जाती है, क्या सवाल आता है कि भाई सबसे पहले बायनोमियल लेवल के जगह आइडिया किसने दिया, ठीक है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं कि आइडिया ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय गैस्पर्ड बुहिन, आइडिया किसने दिया था, गैस्पर्ड बोहेम ने दिया था। ठीक है, इन्होंने दिया था आइडिया, बाद में इनकी किताब थी उसका नाम था पिनेक्स थ्योरी बोटनी की, वो तुम्हें याद नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो है लीनियस ने इस पर काम किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि जो कैरोलस लीनियस थे ना वो कैरोलस लीनियस जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये सवाल बहुत ज्यादा आता है पेपर में, वो स्वीडन के थे, कहाँ के थे, स्वीडन के, तो ये सवाल पूछेंगे स्वेडिश थे, तो तुम्हें कहना यस कैरोलस लीनियस स्वीडन के थे, और इनका जो नाम था पहले वाला नाम, पहले जो इनका नाम था वो था, इंटरव्यू में मेरे से अभी मेरे पेपर का इंटरव्यू हुआ था ना, तो इंटरव्यू में मेरे से ये सवाल पूछा था कि भाई लीनियस का नाम पहले क्या था, तो लीनियस का नाम था कार्ल वॉन लिनी, के नाम किसका था, लीनियस का, तो इसने अपना तीन नाम से बदल करके दो नामों वाला अपना
नाम कर लेगा। नेक्स्ट बात आपसे पूछी जाएगी क्या, कि इन्होंने जो कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, इन्होंने कहा कि भाई नेमिंग के प्रिंसिपल जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिए थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जो जिस किताब में इन्होंने दिए थे उस किताब का नाम क्या था, बुक। ऐसे इसकी कई सारी बुक हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपनी किताब फिलोसॉफिका बोटेनिका में दिया था ये सब, ये नाम। तो आप, मैं बुक का नाम बता देता हूँ, पूछा जाता है किताब का नाम फिलोसॉफिया बोटेनिका। ये इस किताब में इन्होंने क्या दिया, प्रिंसिपल्स दिए। किसके प्रिंसिपल्स, इसी बात के, नोमेनक्लेचर के, ठीक है। फिर बाद में इसकी एक और किताब आई, वो आगे नाम आएगा उसका ना, उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने क्या कहा, अपनी काफी सारे नाम बताए, साइंटिफिक नेम बताए प्लांट्स के। एक और किताब आई इनकी सिस्टम ऑफ नेचुरी, उसमें इन्होंने एनिमल्स के नाम बताए थे। तो ये आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे एक बार एक जगह पर नाम आएगा तो वहीं पर हम बता देंगे आपको क्या क्या इसमें और ऐड होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कि दिस नेमिंग सिस्टम यूज ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड का इसका फॉर्मेट है, दो वर्ड यूज होते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। एंड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, तो फॉर्मेट जो था बिल्कुल कन्वीनियंट लगा। एंड लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे, मैंगो का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेमिंग नेम्स ऑफ बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम कैसे लिखते हैं, मैंगीफेरा इंडिका लिखते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका लिखने का क्या तरीका होता है, ये इसके हिसाब से आपको ये पॉइंट बताए जाएंगे, ठीक है। जिसमें कि पहला शब्द जो आप देख रहे हैं मैंगीफेरा, ये जीनस का नाम है, इंडिका जो है ये इसकी स्पीसीज का नाम है। यहाँ बताया कि भाई मैंगीफेरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, जीनस, जबकि इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, ठीक है। नीचे दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है क्या, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो आपके लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। लैटिन लैंग्वेज का मतलब यार ये है, लैटिन हो या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि डेड लैंग्वेज हो। कैसी लैंग्वेज हो, डेड। डेड लैंग्वेज मतलब यार कि कहीं दुनिया में चलती ना हो, दूसरी जगह से दूसरी जगह पे चलती ना हो, ठीक है। मतलब कोई इस पर अधिकार ना जमा सके, ये खत्म हो चुकी हो, तो ऐसी लैंग्वेज में रखते हैं नाम ना। तो लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज थी जिसको इसमें नाम रखे गए। दूसरी बात यह है कि जो लैंग्वेज में नाम रखे गए हैं ना, तो जब उनको टाइप करते हैं, जब आप उनको टाइपिंग करोगे तो आप उनको तिरछे टाइप करोगे, इटैलिक्स में टाइप करोगे, सीधे टाइप नहीं करोगे, थोड़ा सा उनमें थोड़ा ऐसे स्लाइटली जरा सा झुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो उनको इटैलिक्स में टाइप करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दे आर लैटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। तो जैसे लीनियस का नाम तो लैटिन में था नहीं, तो उसने क्या करा, लीनियस कर लिया। मतलब या तो तुम्हें नाम को लैटिनाइज करना पड़ेगा या फिर वो लैटिन में ही हो, आ समझ आई। तो या तो तुम गुस्से से, जैसे जैसे यहाँ एक चीज है, एक प्लांट का नाम है कुछ, तो उसमें बाद में लगा रखा है सहारनपुरेंसिस, ऐसा कर रखा है, सहारनपुर में ढूंढा गया था वो, तो उसका नाम है सहारनपुरेंसिस, ऐसे है, ठीक है। फिर लिखा है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ये बिल्कुल बता ही दिया मैंने आपको, पहला नाम क्या है, जीनस है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो उसका स्पीसीज का होता है, ठीक है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, तो जब आप इसे हाथ से लिखोगे ना, अगर मान लो आप यहाँ हाथ से लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं कि भाई उसका नाम लिखते हैं काऊ का, काऊ है, मान लो काऊ का नाम लिख रहे हैं, तो काऊ का नाम है बोस इंडिका, तो जब आप इसे हाथ से लिखोगे तो आप ऐसे करोगे, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप जैसे बुफेलो का नाम लिखोगे, तो बुफेलो का नाम क्या है, बुबेलिस इंडिका, सॉरी बुबेलिस इंडिका, किसका नाम है, बुफेलो का नाम। तो ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जब आप इसको हाथ से लिखोगे तो आपको इसे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। पॉइंट्स लिखे रहेंगे, ये पूछेंगे इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को का नहीं है,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बात समझ आई? ऐसा नहीं है कि आप स्पीसीज का नाम जो है वो एक जगह दो जगह नहीं कुछ कर सकते, ठीक है? अलग अलग जीनस के साथ आप अलग अलग स्पेसिफिक नेम यूज कर सकते हो, ठीक है? मतलब आप खाली स्पीसीज के नेम से तो बता नहीं सकते कि भाई ये किसकी स्पीसीज है, आपको साथ में जीनस तो बताना ही पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इसी तरह अगर मान लो जो है राई, राई का नाम होता है ब्रैसिका निग्रा, और मकोए होती है, मकोए का नाम भी सोलेनम निग्रा होता है, तो निग्रा से आप ये तो नहीं बता पाओगे ना, जबकि जो ब्रैसिका है वो ब्रैसिकेसी फैमिली की है और सोलेनम निग्रा सोलेनेसी की फैमिली की है, ठीक है? तो यहाँ भी क्या है, दोनों की स्पीसीज एक ही है, तो जनरली जीनस का नाम जो होता है वो ज़्यादा ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब जीनस का नाम आपको बताएगा कि भाई कौन है, स्पीसीज का नाम आपको नहीं ये बता पाएगा कि किसके बारे में बात हो रही होती है। बात समझ आई? एक बात ध्यान रखना, तो ये जो नाम होगा, ये जो जितना भी जैसे भी नाम होगा ना, तो ये 3 लेटर से छोटा नाम नहीं हो सकता, 3 लेटर से छोटा नहीं हो सकता, 12 लेटर से बड़ा नहीं हो सकता। तो कैसे लिखते हैं, लिखते हैं कि नेम शुड हैव नेम शुड हैव 3 to 12 letters, नॉट मोर देन 12, नॉट लेस देन 3। तो नाम में जो है इतने लेटर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ आई? कभी भी आपको ध्यान रखना है, दो प्लांट का, दो एनिमल का, किसी का जो है नाम एक जैसा नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, आप जब जब जीनस का नाम लिख रहे होंगे, तो जीनस के नाम का जो पहला लेटर होगा, यहाँ लिखा है, नीचे लिखा है कि भाई द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो आप कभी भी स्पीसीज वाले में जो है भाई कैपिटल लेटर नहीं लगाओगे, स्पीसीज में आपको स्मॉल लेटर लगाना पड़ेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान रखना, रख लोगे ना? नेक्स्ट बात क्या है सुनो, नेक्स्ट ये है कि भाई आपका नाम जो है ना, वो कभी भी प्लांट के केस में टोटोनिम नहीं हो सकता, प्लांट के केस में नाम जो है वो टोटोनिम नहीं हो सकता। टोटोनिम्स क्या होते हैं देखो, टोटोनिम्स नाम लिखता हूँ, TAU, टोटो मीम्स, ठीक है? टोटोनिम्स क्या होते हैं, टोटोनिम्स होते हैं कि अगर जीनस का और स्पीसीज का नाम वर्ड सेम हो, इफ बोथ जीनस एंड स्पेसिफिक वर्ड आर सेम, अगर दोनों सेम होते हो ना, तो हम इसको क्या बोल लेंगे, टोटोनिम बोलेंगे। तो टोटोनिम जो है वो प्लांट में एक्सेप्टेड नहीं है, एनिमल में एक्सेप्टेड है, ठीक है? जैसे रेट का नाम है रेटस रेटस, इसको क्या बोलते हैं, टोटोनिम। तो ये टोटोनिम मैं यहाँ स्टार बना के लिख देता हूँ, नॉट एक्सेप्टेड इन नॉट एक्सेप्टेड इन प्लांट्स, प्लांट के केस में एक्सेप्टेड नहीं होता है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना है वाली बात आप, है ना? ठीक है, नेक्स्ट और क्या बात है देखो, ऐसा है कभी भी ये जो अगर तुम्हें साइंटिस्ट का नाम लगाना है, मान लो तुमने तुमने से ढूंढा है नाम को, तुमने तुमने किसी प्लांट को ढूंढा है और तुमने उसका नाम रख दिया है, और तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा नाम जो है वो उसके बाद में लग जाए, तुम्हारा नाम जो है उसके बाद में लग जाए, तो ऐसा लगता है वो कि भाई नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म, एग्जाम्पल मैग्निफेरा इंडिका लिन, दिख रहा है आपको? तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये लिन जो है ये लिनियस का नाम है, लिनियस ने इसको लगाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लिन लगाया गया है भाई, ये जो लिन लगाया गया है ना, रोमन
स्क्रिप्ट में लगाना है आपको, किसमें लगाना, रोमन स्क्रिप्ट में विदाउट ए कॉमा। मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई नाम जो है वो लगेगा किसमें, रोमन में, रोमन में मतलब देखो अलग ही लिखा ना सीधा, तो रोमन स्क्रिप्ट में विदाउट कॉमा, तो नीट का 2019 का ये सवाल था, उसमें क्या था लिन, कई जगह लिन जो है वो छोटा लिख दिया था, एल की स्पेलिंग छोटी छोटा लेटर ले लिया था, कई बार अंडरलाइन कर दिया था, तो चारों के चारों नाम में अलग अलग था, तो ये पूछा था इनमें से मैंगो का जो नाम है वो सही वाला नाम, सही वाला नाम कौन सा है, ठीक है ना। तो सही वाला नाम जो है वो ये था जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ था, बात समझ आई। अगर मान लो कि किसी का नाम बदला गया है, ये तो बताऊं, ये बता देता हूँ, अगर किसी का नाम चेंज हुआ है, किसी का नाम नया किया गया है, तो पहले वाले ऑथर का नाम ब्रैकेट में आ जाएगा और जो नया ऑथर होगा उसका बाद में सीधा आएगा बिना कोमा के, ठीक है। ऐसे मतलब सपोज करो कि कोई नाम था, ये कुछ भी ए बी सी लिख देता हूँ मैं, ये ए बी सी डी कुछ नाम था, कुछ नाम ही बता देता हूँ, चलो जैसे मान लो कहेंगे एल्बिजिया, अजीब था ना, तो एल्बिजिया लेबक था, एल्बिजिया लेबक जो है वो बदला गया है, पहले किसने दिया था, लीनियस ने दिया, तो लिन जो है लिन कहाँ आ जाएंगे, ब्रैकेट में आ जाएंगे, और जो नए थे वे बेचारे यहाँ आएंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई क्या हुआ है नाम के साथ, चेंज हुआ है बेंथेन का नाम, सॉरी ये अंडरलाइन नहीं करना था भाई, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना अंडरलाइन यही यही बस बस, ठीक है। तो ऐसा ये कुछ पॉइंट्स हैं नेमिंग के ना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि नाम जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और जो है सिंपल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इजीली प्रोनाउंस आराम से बोल सकते हो, ठीक है। और कलर जो होता है वो कलर को क्राइटेरिया नहीं लेते ज़्यादा टाइम पे ना कभी भी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या दिया गया है, ये नेमिंग आप याद रख लेना यहाँ से, कुछ इस तरह के नेमिंग का वो पॉइंट्स है, देखो यह लिखाया है कि भाई सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। देखो ऐसा है, आप एक साथ में एक बार में सारे ऑर्गेनिज्म को तो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन ही करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि जो है सबके सब जो है आराम से मिल सके, ठीक है। तो क्लासीफाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि मतलब अगर आप स्कूल में भी अगर आपको सबको एक ही कमरे में बैठा दिया जाए तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहेगा कि कौन कहाँ बैठता था, कौन क्या है, तो अगर आपको तमीज़ से जो है एक एक कमरे में अलग अलग बैठा रखा है तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आपको आराम से ढूंढा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई कन्वीनियंट नहीं है ना ये, ऐसा कि सारों की स्टडी एक ही बार कर ली जाए, तो इसके लिए क्या है, क्लासीफाई करना पड़ता है। तो क्लासीफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इन टू कन्वीनियंट कैटेगरीज, जिसमें क्या है हर एक को एक कन्वीनियंट कैटेगरी दे दी जाएगी बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, तो कुछ कैरेक्टर्स देख करके, जैसे कि भाई इसकी पत्तियाँ ऐसी हैं, इसकी लीव्स ऐसी हैं, इसका स्टेम ऐसा है, तो ये सारे एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, ऐसा। तो जो ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं कि एक ग्रुप बना दिया गया है, वो जो ग्रुप होगा ना वो ग्रुप एक कैटेगरी होगा, वो ग्रुप एक कैटेगरी कहलाएगा, बात समझ आई, ठीक है। तो एक बार देखो क्या लिखा है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी को क्या कर दिया जाता है, ग्रुप कर दिया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स कैट्स और इंसेक्ट्स, हम क्या कर सकते हैं इनको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सबको, डॉग को भी कैट को भी इंसेक्ट को भी, एंड द मोमेंट वी यूज
एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. तो हम क्या करते हैं कि भाई इस ग्रुप में वो हैं जिनके तीन जोड़ी पैर होते हैं, तीन जोड़ी अपेंडेज मिलते हैं जिनके पास, वो क्या है इस ग्रुप में आएंगे इंसेक्ट वाले में. या डॉग्स जो है उनके सर्टेन कैरेक्टर्स हैं, वो डॉग्स जो है एक ग्रुप में आ जाएंगे. वॉट इमेज डू यू सी वेन यू थिंक ए डॉग. जब आप एक कुत्ते के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कुत्ता आता है. तो देखिए आपके दिमाग में ना कुत्ते नहीं आते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कुत्ते नहीं आते. आपके दिमाग में एक कॉमन इमेज आती होगी कि डॉग्स के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में कॉमन इमेज है डॉग्स. ठीक है, सारे तरह के तो आप नहीं सोचते होते. और जब आप कुत्ता सोच रहे होते तो बिल्लियाँ नहीं सोच सकते. तो ये कह रहे कि ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स. Now, if we were to think of alsatians, तो ये alsatian जो है भाई dog की एक वेराइटी है. तो ये आपके मेडिकल में सवाल आया था ये भी ना कि भाई alsatians क्या है. तो बच्चों को ना ऐसा लगा किताब में था ये तो कहीं, मतलब बच्चों को लगा कि ये क्या है, किताब में पूरी किताब में था ही नहीं कहीं, और हमें क्या पता है क्या है. तो ध्यान रखना कि alsatians dog की एक वेराइटी है. वी नो दैट what वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर हम alsatian की बात कर रहे हैं तो हम कुत्तों की बात कर रहे हैं. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears, body hairs. तो वो mammals होते हैं. Likewise, in plant, if we try to talk about wheat, अगर हम plant में wheat की बात करते हैं, the picture in our mind will be the wheat plant too. A knot of rice, चावल की नहीं आएगी, और any other plant. Hence, all these, dogs, cats, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient categories. स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये सारी की सारी क्या है, एक जस्ट बस कन्वीनियंट कैटेगरी है जिसमें आप अलग अलग को पढ़ सकते हैं. डॉग्स के अंडर में जाके डॉग्स को पढ़ सकते हैं, अगर आप मैमल्स में जाओगे तो आप मैमल्स को पढ़ सकते हैं, मैमल्स के बारे में जान सकते हैं, वीट में वीट के बारे में, राइस की 50,000 वेरायटी से भी ज्यादा वेरायटी होती है. ठीक है ना, अगर आप स्पीसीज के लेवल पे बात करो तो राइस की 50,000 से भी ज्यादा वेरायटीज होती है. तो लिखा है कि भाई हैंस ऑल दीज डॉग कैट मैमल वॉइट रीस plant, rice plant, animal etc. are convenient category we use to study organism. In a scientific term for these categories, taxa. इन सब के लिए क्या कहते हैं, taxa. तो एक taxa है, मतलब हम कहेंगे एक taxon. अब आप एक बात आराम से सोचने की कोशिश करना कि तो आप एक बात समझने की कोशिश करो, ये बताओ कि अगर आपके दिमाग में हम कहें बच्चों को कि हम सोच रहे हैं प्लांट्स, तो हम एक प्लांट की बात तो नहीं सोच रहे ना, हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. तो भाई अगर हम कहें कैट्स तो हम एक कैट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी कैट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि भाई हम इसको एक कैटेगरी देते हैं, कैटेगरी हम कैट्स को एक स्पीसीज, एक कैट्स जो नाम है कैट्स, ये एक स्पीसीज तो नहीं हो सकता ना, ये एक जीनस तो नहीं हो सकता ना कैट्स. मेरे ख्याल से एक फैमिली हो सकती है कैट, इस फैमिली में बहुत जीनस हो, अलग अलग कैट्स के जीनस हो और अलग अलग उसके अंदर स्पीसीज हो. मैमल्स जैसे हम, मतलब एक मैमल्स कितनी बड़ी कैटेगरी होगी, मैमल्स एक मैमल तो नहीं ना, मैमल्स के अंदर भी कितनी कैटेगरीज आएंगी, नीचे बहुत ज्यादा. ठीक है ना बात. तो ये हर एक लेवल पर, ये जो वीट राइस प्लांट एनिमल, ये हर एक लेवल पर जाकर के एक कैटेगरी है. वो इन कैटेगरीज के अंदर में बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं. ठीक है, और हर एक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बायोलॉजिकली टैक्सा कहते हैं. हर एक कैटेगरी क्या कहलाएगी, टैक्सा. कैट्स के अंडर में मान लो कैट्स एक फैमिली लेवल पर है तो उसके अंडर में जीनस आएंगे, जीनस के अंडर में स्पीसीज आएंगी, तो फिर वो दोनों चीजें अलग अलग कैटेगरी हुई, तो वो क्या है, खुद में भी एक अलग टैक्सा है. ठीक है, अलग कैटेगरी है. एंड हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट द कैटेगरी. टैक्सा क्या इंडिकेट करता है, कैटेगरी को इंडिकेट करता है टैक्सा. टैक्सा जो है वो एक कैटेगरी है एंड एट वेरी डिफरेंट लेवल. देखो टैक्सा क्या है, अलग अलग लेवल पर एक कैटेगरी है, कोई फैमिली लेवल पर, ऑर्डर लेवल पर, क्लास लेवल पर, जीनस के लेवल पर, स्पीसीज के लेवल पर. एंड प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टैक्सा. प्लांट भी क्या है, टैक्सा है, लेकिन ये बड़ा लेवल है. वीट क्या है, टैक्सा है, एक छोटा लेवल है. प्लांट्स में से एक टैक्सा है, एक कैटेगरी है अंडर में उसके ना. एनिमल्स मैमल्स के अंडर, मतलब एनिमल्स मतलब बहुत बड़ी कैटेगरी है, जबकि मैमल्स जो है एनिमल के अंडर में आते हैं. एनिमल के अंडर में कौन आते हैं, मैमल्स. मैमल्स के अंडर में कौन आते हैं, डॉग्स. और इस तरह से एंड और आर टैक्स, सारे के सारे टैक्सा हैं, अलग अलग लेवल पर टैक्सा हैं, सारे के सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं सारे की सारी ना. एंड बट यू नो दैट दैट आर डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल. ठीक है, हमें पता है कि डॉग एक मैमल है, मैमल एनिमल है.
एंड देयर फॉर एनिमल मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्स एट डिफरेंट लेवल. तो भाई इस अलग अलग लेवल पर अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. ठीक है, एनिमल्स के अंडर में एक कैटेगरी मैमल्स हैं, और भी तो है ना, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, ये सब हैं, और दुनिया भर के हैं, पोरी फेरा से लेकर के पूरे. ठीक है, तो यहाँ क्या है कि फिर मैमल्स में बहुत सारे मैमल्स हैं ना, तो उनमें से क्या है, डॉग्स हैं. फिर डॉग्स के अंडर में भी आपको समझ में आएगा कि डॉग्स मतलब एक डॉग तो होता नहीं एक तरह का, तो दुनिया भर के जीनस होते हैं डॉग्स के अंदर में, दुनिया भर की स्पीसीज होती है. एनहेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. यहाँ से पढ़ना लिखा क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी. ये ध्यान से पढ़ना क्या क्या है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. तो इन सबको कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर अलग अलग लेवल पर कैटेगराइज करना ही क्या कहलाता है, टैक्सो नॉमी. ये प्रोसेस क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी. ठीक है, लिखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर. क्या क्या, बाहर की स्ट्रक्चर, अंदर की स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस इन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भाई मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो हैं, आजकल जो नई स्टडीज चल रही हैं, उनका बेसिस क्या है, किस आधार पर मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज की जाती है, कैरेक्टराइजेशन किस आधार पर होता है. तो वो पीछे से बताया, सेल का बाहर का लेवल, अंदर की सेल की स्ट्रक्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस, सारा कुछ मिला करके इसका बेसिस बनता है. ठीक है, टैक्सोनॉमी का, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का. नेक्स्ट लिखा है, हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट वी आर बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी. तो ये इसके चार बेसिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, जो हम कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर देखना, फिर आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, नाम रखना. ठीक है ना, ये टैक्सोनॉमी के अंडर में आता है. लिखा है, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज. इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स टू फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो पहले के जो क्लासिफिकेशन थे ना, वो उनके यूज के आधार पर थे कि उनको क्या क्या चाहिए होता है. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. तो यह ज़्यादा important बात है ये कि तुम खाली उनके character देखो और character देख के आप उनके एक group बना दो, बजाय इसके आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, उनका relationship ध्यान रखना चाहिए कि भाई किस तरह से जो है वे एक दूसरे से relate करते हैं, नहीं करते हैं, या उनके बीच में कोई भी relationship है. तो अगर उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप होती है तो वो ज़्यादा बेटर तरीका है एक ग्रुप में रखने का, बजाय इसके कि आप उनका केवल बाहर से देखो कि मतलब एक जैसे हैं नहीं, या फिर वो एक जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, और उठा करके आप उन्हें एक ग्रुप में रख दो. ठीक है ना बात, तो एक ग्रुप में रखना तो आसान है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा रिलेशनशिप्स हैं या फिर रिलेशनशिप नहीं होती. बात समझ आई, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब हम जैसे आप कहते हैं भाई हम जो है एप्स से आए हैं, तो हम ए ग्रुप में आ जाएं एप्स तो मंकी तो सही है, कोई बात नहीं. लेकिन अब हमें जो है ऐसे ही मैमल्स कह के, मतलब मैमल तो एक बड़ी कैटेगरी होगी, तो हम अगर हमारा कैटेगराइज छोटे लेवल कुत्तों से तो नहीं हो सकता, लेकिन सारे तरह कुत्ते जो है वो एक जगह आ सकते हैं. ठीक है, जैसे बिल्लियाँ और टाइगर जो है एक लेवल पर एक ग्रुप में आ सकते हैं, नीचे लेवल पर नहीं आ सकते. बिल्ली और टाइगर एक लेवल पर जा करके, क्योंकि इनमें कम रिलेशन, कम मैचिंग है, लेकिन है थोड़ी कम है तो, लेकिन है, फिर वो एक लेवल पे एक ग्रुप में आ जाएंगे. लेकिन एक निचले लेवल पर जाओगे तो वो एक ग्रुप में नहीं आएंगे, क्योंकि वो कुछ उनकी स्पीसीज और जीनस अलग है, जबकि जो टाइगर्स हैं उनका जीनस अलग है. ठीक है, लेकिन अगर ऊपर जाओगे तो कैरेक्टराइजेशन करते करते तो आपको उनके कुछ कैरेक्टर मैच भी हो जाएंगे, तो फिर वो एक लेवल में एक ग्रुप में आ जाएंगे. तो उनका मतलब उनमें रिलेशनशिप है, वो भी कैसी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होती हैं. लिखा है कि दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू ए सिस्टमेटिक्स. तो अगर इसको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग किया जाए तो फिर टैक्सोनॉमी जो है आजकल क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक्स कहलाती है. द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड लीनियस यूज सिस्टमा नेचर. तो ये वो किताब है भाई जो मैं तुम्हें कह रहा था कि लीनियस की जो किताब है जिसमें इसने एनिमल्स के नाम रखे थे. ठीक है, इसमें लिखता हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेन
क्लेचर ऑफ एनिमल, एनिमल्स का नॉमन क्लेचर किया था इसने सिस्टमा नेचरी में, ठीक है ये ध्यान रखना है, सवाल है पूछ लेते हैं कौन सी किताब में लीनियस ने जो है उसका एनिमल्स का नॉमन क्लेचर किया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको दूसरी किताब बताई जिसके पीछे इसमें नॉमन क्लेचर दिया था उसने, वो थी फिलोसोफिया बोटेनिका, बात समझ आई। नेक्स्ट लिखा है कि द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज टू इंड्यूस आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तो आइडेंटिफाई करो, नाम रखो और क्लासिफाई करो, यही इसके बेसिस हैं। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट, तो सिस्टमैटिक्स की खास बात है कि भाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट है बस, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर कई बार जगह इसके लिए एक वर्ड लिख लेते हैं फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का मतलब यही हो, ये लाइन लिखी है ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ तक का आज हम पढ़ लेते हैं, कल फिर हम शुरू करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है ना, ओके। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।